पैसों की ध्वनि, जहां ध्वनि सुनाई पड़ती है धन 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 की ध्वनि, भक्ति 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 की ध्वनि, ये भी धन धन, मगर नौकरी नौकरी नौकरी, सेवा सेवा सेवा, व्यापार व्यापार व्यापार, भोगभाग्य भोगभाग्य भोगभाग्य, कला कला कला, व्यापार विदेश विदेश विदेश। भाई ये कभी कभी रेखाएं क्या होती है, यहां से निकलती है यहां जाती है, यहां तो एक रेखा है ठीक है, यहां रेखा भी नहीं है, समझिए समझिए। इनके पास पैसे खूब होते हैं, कभी कभी करोड़पति होते हैं। तेलुगु के एक महाकवि ने कहा, धन और फन की वृद्धि के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, धन की वृद्धि के लिए फन 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 का जानते हैं सांप, जो फन को पसार कर खिलता है नागफन, इन दोनों की वृद्धि के लिए चाहिए कुछ गुण। क्या गुण? टेढ़ी विंगी चलना, सही रास्ते से सीधा कमाएंगे तो कमा नहीं सकते, उल्टी अंगुली लगाने की जरूरत पड़ती है। किसी वस्तु के व्यापार कर रहे हैं, उसका भाव 10 रुपये का है, 10 रुपये नहीं बोलता, टेढ़ी अंगुली करता, 15 रुपये है, जरा बार्गेनिंग करता, 13 रुपये में दो ना ठीक है, 3 रुपये मुनाफा है ना, टेढ़ी अंगुली बोलते हैं। यहां से जो रेखा निकलती है टेढ़ी अंगुली, अगर टेढ़े विंगा नहीं चलेंगे, टेढ़ी अंगुली नहीं लगाएंगे, एकदम सीधा कमाऊंगा न्याय से कमाऊंगा बोले तो ये रेखा काम में नहीं आती। टेढ़ा विंगा चलना, धन की वृद्धि टेढ़े विंगे से, हर किसी रेखा के लिए नहीं कह रहा हूं, इस रेखा के लिए के बारे में मैं कह रहा हूं, यानी उल्टे सीधे रास्तों को लेकर कमाना पड़ेगा और मिट्टी में रहना पड़ेगा। आजकल तो बैंक आ गए हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, लॉकर्स आ गए हैं, धन को लॉकर्स में रखते हैं, मगर एक जमाने में प्राचीन काल में धन को छिपाने के लिए भूमि में रखते थे, वहां नागफन फिरते थे, ऐसे कहते हैं, मैं नहीं जानता हूं। और फन फन भी मिट्टी में रहना पड़ेगा, फन के लिए भी वो पिपिल में जाता है, वो वाल्मीकि में जाता है, उनका भी एक घर रहता है, उन घर से होकर भीतर घुसता है, मिट्टी में रहना पड़ेगा यानी छिपाने पड़ेगा, धन को छिपाने से ही वृद्धि, मिट्टी में फन, मिट्टी के स्थान पर बैंक आ गए हैं, लॉकर्स आ गए हैं, बहुत सारे साधन है पैसे छिपाने जमा करने के लिए, ठीक। और दो जबान हो, यानी वाणियां जबानें दो हो, तो यानी कभी सच बोलना कभी झूठ बोलना, ये दो हो तो ये काम होता। नागफन के लिए भी देखिए, फन के लिए भी बाहर तुरंत कभी कभी अपनी जबान को बाहर दे, दो होते वो, फन और धन की वृद्धि के लिए दो जबाने, टेढ़ी बेंगे रास्ते, मिट्टी में छिपाना, ये तीन गुण होना चाहिए। यानी सीधा प्राप्त हुआ धन नहीं है, ये उल्टा सीधा हुआ प्राप्त। गुंडे होते हैं, लफंगे होते हैं, कुछ लोग छुरी दिखाकर कमाते हैं, किसी स्त्री को डराते हैं, वृद्धों को लेकर लूटते हैं, छू मंत्र करके किसी को कुछ कुछ मैराकुल करके पैसे कमाते हैं। ऐसे लोगों में स्कैम्स करने वाले हैं, प्रभुता जो हमारी सेवा कर रही है सरकार, हमारे लिए कुछ सच्चा समाज बनाने के लिए जो नियम रखे गए उन नियमों को तोड़कर कमाता है, क्या वो अच्छा धन है? ठेढ़ा बिंगा धन है, छुपा कर रखेगा, बाहर रखेगा ब्लैक मनी, विदेशों में जाकर छिपाएगा ब्लैक मनी। ऐसे क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे? अरे राजस्थान से निकली है रेखा, कुछ लोग मतांतर से कहते हैं, नहीं 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 ऐसा भाव नहीं, यहां से यहां तक कमाने के लिए कोई नौकरी उसे नहीं मिली है, यानी लगभग 42 साल तक, 42 ईयर्स तक, उसके बाद कोई नौकरी मिली है,
खूब कमा रहे, ऐसा कहा हो ना, हाँ ऐसा भी कहिए। यहाँ से ये रेखा निकलती है तो ये वही अर्थ, क्योंकि वही भी 42 इयर्स का है। मगर निकली है ये रेखा राहु स्थान से, कुछ स्थान से भी निकले, केवल जायदाद ही नहीं, कुछ मंगल शरीर बल को दिखाने वाला, डिफेंस में काम करके कमा सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट के उन्नत अधिकारी बनकर काम कर सकता है, सर्कस के काम करने वाले भी मंगल जातक होते हैं, वो भी कमाना है ना, सर्कस में परिश्रम करते हैं कमाते हैं। रेखा ही नहीं है, जितना परिश्रम करेंगे उतना। अगर ऐसी रेखाएं लिखे पड़े, ये रेखाएं हो, ये गाड़ी है, दो गाड़ियां चल रही, ये रेखा क्या करती है, पीछे से हवा, गाड़ी के पीछे से हवा लेने रहने के कारण गाड़ी में वेग भरते हैं हम, यानी जोर से चलती है गाड़ी, किसी इसको दबाने की जरूरत नहीं, अपने आप वेग भर लेता लेती है गाड़ी। तो यानी इन रेखाओं के लिए ये सहायक रेखा मात्र है, नहीं है किसी को रेखा नियमानुसार भी रहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका अस्तित्व हो ये लाजमी नहीं है, प्रधान रेखाओं के लिए लाजमी है। जीव रेखा होना ही चाहिए, बुद्धि रेखा होनी ही चाहिए, हृदय रेखा होनी ही नहीं चाहिए, नहीं हो तो नष्ट है। क्या नष्ट है मैंने बता दिया, ये रेखा नहीं है परवाह नहीं, चलो ये देखो रेखा है, गाड़ी जितनी दबाएंगे उतने वेग से गाड़ी चलेगी, यानी दूसरों के श्रम की जितना श्रम करेगा उतने कमाएंगे। मैंने केवल इन दोनों रेखाओं को देखकर दूसरी किसी धन रेखा को नहीं देखे, मैंने करोड़पतियों को देखे। पूछा मैंने कि इतना धन आप लोगों ने आपने किस प्रकार कमाया, तो उसने कहा क्या है साहब इसमें, परिश्रम किया, हाँ करोड़ों कमाया, करोड़ों भर का परिश्रम भी किया मैंने, कहा ठीक है जितना परिश्रम करते हैं उतना ही कमाते हैं, इतना तो सही कह सकते हैं इन रेखाओं को देखकर कि अपने टांगों पर खड़े होकर अपना पसीना टपका कर अपने हाथ हिलाकर श्रम कर, उनमें जो विद्वत्ता है उनमें जो शक्ति है उसके प्रदर्शित कर उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ है, कैसा रहेगा, तृप्त, बहुत तृप्त, संतृप्त, गुराठे मारते हुए सो जाएगा निश्चिंत। यहां से रेखाएं निकलना, उनके पास एक नहीं दो नहीं 300 करोड़ रुपए हैं, सुखी कहेंगे, सुखी कह सकते हैं, 5-6 गाड़ियां, नौकरी नौकर, चाकर की चाकर, क्या नहीं है, तृप्ति, नींद नहीं लगती, कौन चोराएगा, कब पकड़ा जाऊंगा, ये धन कहाँ की करके पूछेंगे तो क्या, लाकर में कितने पैसे हैं, विदेश में कितने रखे गए हैं, छिपे कितने गए हैं, बिनामी के नाम पर कितने धन छिपाया गया, वास्ती ली गई है, जायदाद ली गई, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, नींद नहीं लगती है, खाते हैं चिंता धन की, न पेट भर खा सकते हैं ना आंख भर सो सकते हैं। अरे ये रेखा नहीं है, ये दो रेखा है, गुराठे मारते हैं, मामूली रोटी खाएंगे, मामूली रोटी, जवारी की रोटी भी खाएंगे पेट भर खाएंगे, खा नमक मिर्ची से खा रहे पेट भर खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे सुखी रहेंगे, गुराठे मारकर आंख भर की नींद, पेट भर का खाना, यानी तृप्त, स्वयं तृप्त, पूरा मिलाकर हाथ नहीं पसारेगा, जरूरत पड़ी है धन, बहुत जरूरत पड़ी है, 1 लाख रुपए की जरूरत है मेरे पास है, सरकार नहीं पकड़े, क्यों पकड़ेगी, न्याय पर मर्जित है, बैंक में रखा गया है, दैट इज व्हाइट मनी नॉट ब्लैक मनी, निश्चिंत होकर सो जाएगा।